हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेनिंग बुल्स। और चलो देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है। कि आप लोगों को पता है जैसे कि साफ सेलिंग आई है और एक रिकवरी यहाँ पे हुई है, तो इसके पीछे का लॉजिक हम समझ लेते हैं। क्योंकि अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके इस लेवल को जो हमारा ये लेवल है 45,116 के लेवल को क्रॉस करती है, तो यहाँ पे हमें इस लेवल तक का मूव देखने को मिल सकता है। 45,336 के लेवल तक का मूव देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को हमें मिलता है और इसको क्रॉस नहीं कर पाती है निफ्टी, बैंक निफ्टी, और यहाँ पे हमें कुछ नेगेटिव यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम यहाँ से पहले इस लेवल का टारगेट एंड देन उसके बाद यहाँ तक का टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। ये तो होगी अप मूव की बात। अब डाउन साइड के मूव की बात करें तो अगर गैप कल बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल के इस लेवल के आसपास कहीं खुलती है और इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करती है, 44,812 का जो लेवल है हमारा, इस लेवल को ब्रेक, पहला टारगेट हमारा ये होगा 44,662 का और दूसरा टारगेट हमारा 44,469 का, 44,500 का लेवल हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे हमें साफ सेलिंग मिल सकती है। थैंक यू, धन्यवाद, और देखते हैं कल क्या होता है बैंक निफ्टी में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसे ही मोटिवेट करते रहना।